आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच अर्थात बातमी आहे महाराष्ट्रातल्या कोकण किनारपट्टीतल्या पुराची. चिपळूणमध्ये जवळपास 5,000 नागरिक अडकल्याची भीती आहे. खुद्द NDRFनं हा अंदाज वर्तवला आहे. कालपासून चिपळूणमध्ये जोरदार पाऊस सुरू आहे, त्यामुळे शहरात महापूर आला आहे. कित्येक गाड्या वाहून गेल्या तर शेकडो दुकानं आणि घरं वाहून गेली आहेत. या घडीची मोठी बातमी आपण साम टीव्हीवर पाहताय. चिपळूणमध्ये तब्बल 5,000 नागरिक अडकून पडल्याची माहिती NDRFच्या पथकांकडनं देण्यात येते आहे. रेस्क्यू ऑपरेशन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. चिपळूणमधली स्थिती सकाळपासूनच भीषण पूरस्थिती निर्माण झालेली आहे. जवळपास तळमजला पूर्णतः पाण्याखाली गेला आहे आणि आता पहिल्या मजल्यावर सुद्धा पाणी जायला सुरुवात झाल्याची माहिती मिळते. आणि याच संदर्भात बोलण्यासाठी NDRFचे महाराष्ट्राचे कमांडंट अनुपम श्रीवास्तव आपल्याबरोबर आहेत. सर, NDRFची पथकं या सगळ्या परिसरात दाखल झालेली आहेत, रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू झालेलं आहे, तुमच्याकडे काय अधिक माहिती आहेत? सध्या तिथे किती लोक विशेषतः चिपळूणमध्ये अडकून पडलेत? हाँ देखिए, मैं हिंदी में बोलूंगा तो उसमें चिपळूण में जो हालत है वो बारिश की वजह से अभी काफी खराब हो गई है. और हमारी NDRF की यहाँ से 4 टीमें, 2 टीमें पहुंच गई हैं उधर चिपळूण में और 2 टीमें और हमारे रास्ते में है, वो जब पहुंच रही है. और चिपळूण और खेड़ रत्नागिरी की 2 जगह है जहाँ पर लो लाइंग एरिया होने की वजह से काफी जल भराव है और कुछ लोगों के वहाँ पर फंसे होने की संभावना है. जो कि वहाँ पे रिहायश रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर से निकालना है, तो हमारे कार्रवाई शुरू हो गई है और 2 टीमें और आ जाएंगी तो हम ये काम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे. सर, ये चिपळूण में जो स्थिति बनी हुई है उसको मद्देनजर देखते हुए मतलब क्या क्या तैयारियां की गई है NDRF की तरफ से? देखिए, एक तो तैयारी की जहां तक बात है तो मानसून आके ही हम पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं और हमारी तैयारियां पहले से चल रही थी, परंतु ये अचानक से रत्नागिरी में जो इतना भारी बारिश हुई है उस वजह से अचानक से इतना पानी आ गया है. तो जितना भी लो लाइंग एरियाज हैं और रिवर कैचमेंट एरियाज हैं इनमें पानी का जल भराव हो गया है. तैयारी की बात है तो हमने अपनी टीमें यहाँ से भेज दी है, उनके पास सभी तरह की बोट्स हैं और लाइफ बॉय हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, हर तरह के कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट हैं, खाने पीने की सामग्री है, पानी वगैरह है, ये सब तैयारी से हम हैं. तो कोशिश तो हम ये करेंगे कि जितने लोग फंसे हुए हैं इन इलाकों में उनको निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए. कुछ सुरक्षित स्थान पहले से एयरमार्क रखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वहाँ पर पहुँचाएंगे. यदि वहाँ पर पहुँचने में थोड़ी देर होती है तो हम उनको खाने पीने की सामग्री भी उसको देंगे तब तक जब तक वो वहाँ पर रहते हैं, वरना हमारी कोशिश यही रहेगी कि सभी को निकाल कर जल्द से जल्दी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं. वेदर रिपोर्ट भी ये कह रही है कि अगले 2 या 4 घंटे इस पूरे इलाके के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाले हैं. तो बारिश की मतलब बारिश के बारे में आपको कुछ रिपोर्ट्स वेदर डिपार्टमेंट से आई है क्या? जी, हमारे पास भारतीय जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वेस्टर्न से उसका मुंबई से, वहाँ से रिपोर्ट रेगुलर आती है. तो जो मैंने रिपोर्ट देखी थी उसके हिसाब से अभी आज के दिन रेड अलर्ट है रत्नागिरी में और कल से ऑरेंज अलर्ट, यानी कि थोड़ा सा हल्का होने की संभावना है. तो कल से ये पानी थोड़ा थोड़ा कम होगा और बारिश भी हल्की पड़ेगी. ओके. लेकिन डैम जो है, अगर डैम से पानी रिलीज होता है, कोयना डैम है, कोयना से पानी रिलीज होता है तो पानी जो है जल भराव में थोड़ा पानी और आएगा. तो कल से मुझे उम्मीद है कि पानी धीरे धीरे घटना शुरू होगा. अगर बारिश नहीं होती है जैसा कि ऑरेंज अलर्ट बताया है तो पानी कम होगा, कल से स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी. तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे है. शुक्रिया अनुपम श्रीवास्तव, NDRF से महाराष्ट्र से कमांडेंट होते. त्यांनी सांगितलेलं आहे की उद्या दुपारपर्यंत ही परिस्थिती निवळेल. सर्व प्रकारची खबरदारी NDRF तर्फे घेण्यात आलेली आहे. हवामान खात्यानं सुद्धा जो इशारा दिला आहे त्या परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी पूर्णतः आपलं दल सज्ज असल्याचं सुद्धा ते म्हणतायत.